नमस्कार, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत ही आसान टोटके और उपाय जिन्हें करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही आसान इलायची का टोटका लेकर आई हूं, जो कि आपको गुप्त रूप से अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को भी घर में नहीं बताना। अगर वो आप करेंगे तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी और आपके घर धन का आगमन होगा। और अगर आपका बिजनेस कम चल रहा है तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। ये उपाय क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये आप किसी भी दिन, किसी भी वार, किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही आसान उपाय है, जो कि करने से आपको धन में बहुत ही लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके धन में कभी कमी नहीं रहेगी। और अगर आपके घर में कर्जा है, आपके ऊपर कर्जा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। आपको एक छोटी हरी इलायची लेनी है, हरे रंग की छोटी इलायची लेनी है आपको, और उस इलायची को लेकर आपको अपने मंदिर में बैठ जाना है। मंदिर में आपको जोत जलानी है और अपनी मुट्ठी में इस इलायची को बंद कर लेना है। मंदिर में बैठ जाना है इस इलायची को लेकर और जोत जला के अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। इसके बाद आपको एक मंत्र का 108 बार कम से कम एक माला का जाप करना है। वो मंत्र है ओम श्री श्रीयाय नमः। इसका आपको जाप 108 बार करना है इलायची को अपनी मुट्ठी में बंद करके। कम से कम एक माला करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी कर सकते हैं वो आपकी इच्छा है। फिर इस इलायची को आपने एक लाल कपड़े में बांध लेना है, पोटली बना लेनी है। आप उसके ऊपर लाल धागे से ही इसको बांधेंगे, नहीं तो उसी कपड़े से इसको बांध लीजिए, छोटी सी लाल पोटली बना लीजिए। फिर उसको घर में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी की नज़र ना जाए। ये उपाय आपको गुप्त रूप से करना है कि आपके घर में भी कोई जान ना पाए और ना उसे देख पाए। फिर 21 दिन बाद, जब उस उपाय को करने में आपको 21 दिन हो जाए रखे हुए, तो बहते पानी में इस पोटली को बहा दें। अगर आपके शहर में बहती नदी नहीं है तो पीपल का पेड़ तो होगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। फिर उस उपाय को आप दोबारा दोहरा सकते हैं। इस उपाय को करते रहने से आपके घर धन की कमी कभी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपके सब कर्जे भी उतर जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर इस उपाय को ज़रूर करेंगे और इसे और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर कुंडली से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आंचल फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।